हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुरेश हिंगे है। मैं उड़ीसा के मेहुल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात करीब 3 साल पहले की है और तब मैं 12 साल का था। हमारे घर में सब लोग साथ में रहते थे और हमारा परिवार काफी बड़ा है। उन दिनों आज की ही तरह जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे स्कूल से पिक करने मेरे चाचा जाते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो बचपन से जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया वो मेरे चाचा ही थे। तो एक दिन जब चाचा बाइक से हर रोज की तरह मुझे स्कूल से पिक करने के लिए आ रहे थे तो आते हुए हाईवे में उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट से उनकी बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस को उनके पर्स में उनका आईडी कार्ड मिला जिससे उनकी पहचान हो सकी। पुलिस ने मेरे घर पर फोन करके सारी बात बताई और चाचा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जब मेरे चाचा मुझे घर पर लेकर आए तब मुझे चाचा की मौत के बारे में पता चला। वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। घर पर मातम पसर गया। चाचा की मौत पर सब लोग रो रहे थे। मैं भाग कर अपने कमरे में गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि चाचा प्लीज मुझे एक बार तो दिख जाओ। वो पूरा दिन मैं रोता ही रहा और रात में बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट गया। बेड पर लेटे हुए ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर रात में सोते हुए मैंने सपने में देखा कि चाचा मेरे साथ मेरे कमरे में हैं। वो पहले की तरह ही नॉर्मल दिख रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो देख के एकदम से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि सच में मेरे कमरे में चाचा मेरे बेड के पास ही खड़े थे। लेकिन अब वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं थे। उनका चेहरा बहुत ही भयानक तरह से कुचला हुआ था और चेहरे पर मांस लटक रहा था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। और तभी वो मेरे बेड पर आकर बैठ गए। वो देख के मैं बहुत डर गया और वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मेरे घर के सभी लोग मेरे आसपास मौजूद थे और डॉक्टर पापा को कुछ दवाइयां लाने को बोल रहे थे। जब मैं होश में आया तो सब ने पूछा कि मैं बेहोश कैसे हो गया था। तो मैंने रोते हुए सबको पूरी बात बताई मगर किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कहा कि इसे अपने चाचा से काफी लगाव था और उनकी मौत का इसे गहरा सदमा लगा है। आप लोग इसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात जब हम सब सो रहे थे तो सबको सपने में मेरे चाचा दिखाई दिए। अगले दिन जब घर पर सबने अपने अपने सपने के बारे में बात की तो सभी लोग हैरान हो गए कि सबको एक साथ एक जैसा सपना कैसे आ सकता है। सबने यही देखा कि मेरे चाचा जी घर की छत पर खड़े उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और हाथ से बाय का इशारा कर रहे थे, जैसे वो सबसे कहना चाहते हो कि अब मैं जा रहा हूं। और तभी छत पर एक तेज रोशनी हुई और चाचा उसी रोशनी के अंदर चले गए और गायब हो गए। ये देखकर सबकी एक साथ ही आंख खुल गई। इस अजीबोगरीब घटना से मेरे घर पर सभी लोग हैरान थे। लेकिन फिर इसके बाद मुझे या मेरे घर पर किसी को भी फिर कभी चाचा दिखाई नहीं दिए। जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन रोते हुए मैं बार बार उन्हें सिर्फ एक बार दिखने के लिए बोल रहा था और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ही मेरे चाचा वापस आए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।
मेरा नाम अखिलेश बंसल है। आज मैं आपको मेरे और मेरे मामा के लड़के अशोक के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूँ। ये आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया हुआ था। हम वहां रात में पहुंचे थे। रात में तो मैं खाना खाकर सो गया। फिर अगले दिन दोपहर में नानी के घर पर सब लोग सो रहे थे, सिर्फ मैं और मेरे मामा का लड़का ही जाग रहा था। उसका नाम अशोक था। जब सब लोग सो गए तो अशोक ने मुझसे कहा कि चलो गांव से बाहर बाग में जामुन खाने चलते हैं। मैं भी घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो हम दोनों जामुन खाने के लिए चले गए। जब हम गांव के बाहर उस बाग में पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां जामुन का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और दोपहर के वक्त वहां कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अशोक से कहा कि वाह यार, तेरा जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा है। तो उसने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं यार, ये मेरा पेड़ नहीं है, ये पूरी बाग एक खड़ूस बुड्ढे की है, वो किसी को भी जामुन खाने नहीं देता है। अशोक की बात सुनकर मैं बोला कि अरे यार, जब वो बुड्ढा किसी को जामुन खाने नहीं देता है तो फिर तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। तब अशोक ने कहा कि अरे भाई, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, उस बुड्ढे की कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है, अब जितना मर्जी जामुन खा सकते हो। फिर हम दोनों जामुन के पेड़ पर चढ़ने लगे और पेड़ पे चढ़कर जामुन खाने लगे। हम दोनों जामुन खा ही रहे थे कि तभी हमें एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो सुनके हम बहुत डर गए और जब हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया और अचानक वहां गहरी खामोशी पसर गई। तभी मैंने अशोक से कहा, भाई चल यहां से, चल जल्दी चल, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अशोक बोला कि अरे पागल है तू, जो दिन में डर रहा है वो किसी जानवर की आवाज थी, फिर तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना, चुपचाप जामुन खा। फिर हम दोनों वापस जामुन खाने लगे, लेकिन तभी वो जामुन का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और अब वो गुर्राने की आवाज हमारे सिर के ऊपर से आ रही थी। हमने ऊपर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला बुड्ढा ऊपर एक टहनी पे अपने दोनों पैर लटका के बैठा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और आंखें बिल्कुल काली हो रखी थी और उसका चेहरा सड़ा गला हुआ था। वो देख के हमारे पसीने छूट गए और डर के मारे हम ऊपर से ही नीचे कूद गए। नीचे कटी हुई घास का गट्ठर रखा हुआ था, मैं उसी पे जाके गिरा और फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उठ के अशोक की तरफ देखा तो वो सख्त जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक वो बुड्ढे का भूत अशोक के सामने आ गया। वो देख के मैं बहुत डर गया और वहां से गांव की तरफ भागने लगा। फिर जब मैं भाग के घर पहुंचा तो सब लोग सो रहे थे। मैंने सबको जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें सुनकर घर वाले सकते में आ गए और मामा ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और हम सब गांव के बाहर उसी जामुन के पेड़ की तरफ भागे। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां हमने जो देखा वो देख के हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे अशोक की अध खाई हुई लाश पड़ी थी और उसके धड़ पर सर नहीं था और उसकी लाश इतनी विभस्त हालत में थी कि एक नजर उसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। अशोक की लाश को देखकर मामा जोर जोर से रोने लगे। सभी लोगों ने मामा को संभाला और अशोक की मौत की खबर मिलते ही मामी नानी सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे घर पर मातम पसर गया। फिर उसी दिन अशोक का अंतिम संस्कार किया गया।
दोस्तों, आज इस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब मुझे वो घटना याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे मामा के लड़के अशोक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम पंकज सैनी है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा के कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये बात तकरीबन 4 साल पुरानी है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक आदमी था। उसने मुझसे कहा कि आप अशोक सैनी को जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ, वो मेरे चाचा हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आपके चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। वो सुन के मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने तुरंत उस आदमी से एड्रेस लिया और बाइक लेकर जहाँ पर चाचा का एक्सीडेंट हुआ है वहीं जाने लगा। वो रास्ता मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था। मैं बाइक भगाते हुए लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। इतनी रात गए, रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं आगे बढ़ ही रहा था तभी मुझे रास्ते पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। मैं उस आदमी के और करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो मेरे चाचा ही थे जिनके एक्सीडेंट की खबर उस आदमी ने दी थी। मैंने तुरंत उनके पास मेरी बाइक रोकी और उनसे कहा कि चाचा, आप यहाँ पर? फ़ोन पर तो एक आदमी ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, मगर मेरी बातों का चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे चलने लगे। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैं भी बाइक से उतर गया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उनके ऊपर रखा तो मैंने देखा मेरा हाथ चाचा के शरीर से आर पार चला गया। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी अचानक चाचा गायब हो गए। वो देख के मैं बहुत डर गया। फिर जब मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो वहां पुलिस भी आ चुकी थी और तब मुझे पता चला कि एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो गई है। उनकी लाश को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। चाचा के अंतिम संस्कार के बाद मैंने सारी बात अपने घर वालों को बता दी, लेकिन उसके बाद मुझे चाचा की आत्मा फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी पंकज सैनी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम कार्तिक पटेल है। मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात करीब 2 साल पहले की है। मेरी बहन कोचिंग टीचर है, तो उन दिनों कोचिंग पढ़ाने के लिए वो लोगों के घर जाया करती थी, जिस वजह से उसे रात में लौटते हुए 10-11 बज जाया करते थे। तो एक रात जब वो कोचिंग पढ़ाकर वापस अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, तो आते हुए जब वो घर से बस कुछ ही दूर थी तो उसे आगे रास्ते के बीच में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरी बहन ने ध्यान से देखा तो वो कोई औरत थी। इतनी रात में एक औरत को रास्ते के बीच बैठा हुआ देखकर मेरी बहन को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस औरत के बगल से आगे जाने लगी। लेकिन तभी उस औरत ने मेरी बहन से कहा कि तू बचकर नहीं जा सकती, मैं तुझे मार दूंगी। ये सुनके मेरी बहन ने उस औरत की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अब उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह पर 2 गहले काले गड्ढे थे। वो देखकर डर के मारे मेरी बहन स्कूटी से नीचे गिर पड़ी। तभी वो चुड़ैल मेरी बहन के सामने आ गई और उसने मेरी बहन की गर्दन पकड़ ली। लेकिन मेरी बहन की गर्दन पकड़ते ही उस चुड़ैल को जैसे करंट सा लगा और वो मेरी बहन से दूर जाकर खड़ी हो गई। वो देखकर मेरी बहन को कुछ समझ नहीं आया।
मगर तभी उस चुड़ैल ने मेरी बहन से कहा कि तेरी गर्दन पर जो तूने पहन रखा है उसे निकालकर फेंक दे, वरना मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगी। वो सुनके मेरी बहन को समझ आया कि वो चुड़ैल क्यों उसके करीब नहीं आ पा रही है। दरअसल मेरी बहन ने अपने गले में काली माता की लॉकेट पहन रखी थी। फिर मेरी बहन ने काली माता की जय बोली और माँ काली की कृपा से मेरी बहन में मानो हिम्मत सी आ गई और उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और तुरंत वहाँ से घर की तरफ जाने लगी। वो चुड़ैल दूर खड़ी मेरी बहन को देख रही थी। जाते हुए मेरी बहन काली माता का नाम ले रही थी, शायद इसीलिए वो चुड़ैल उसके करीब नहीं आ पा रही थी। फिर घर पहुंचकर मेरी बहन ने सारी बात हम सबको बताई। उसकी बात सुनकर हम सब ने काली माता का धन्यवाद किया और अगले दिन हम सब मेरी बहन को लेकर काली माता के मंदिर गए और हमने माता रानी के दर्शन किए, जिसके बाद फिर कभी वो चुड़ैल मेरी बहन को नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रतीक मोहांटी है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं गुजरात के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 3 साल पहले की है, तब मैं ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। मैं देर रात तक ऑटो से सवारियाँ ढोता था। तो ऐसे ही एक रात मैं चौराहे के पास अपने ऑटो के अंदर बैठा किसी सवारी के आने का वेट कर रहा था। उस रात मौसम खराब था, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं ऑटो में बैठा फोन पर गाने सुन ही रहा था कि तभी बारिश भी होने लगी। बारिश की वजह से थोड़ी ही देर में रास्ता पूरा खाली हो गया। मैंने भी सोचा कि आज रात बारिश में सवारी मिलने से रही, तो मैं भी ऑटो स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी एक औरत बारिश में भीगते हुए मेरी ऑटो के अंदर आकर बैठ गई और उसने कहा कि भैया पुरवा ले चलिए। उसकी बात सुनकर मैं उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चलते हुए मैंने उस औरत से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बीड़ी जलाकर पीने लगा। लेकिन मेरे बीड़ी जलाते ही वो औरत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और गुस्से से गुर्राते हुए बोली कि बीड़ी बाहर फेंक दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि भला इसे मेरे बीड़ी पीने से दिक्कत क्यों हो रही है। तभी मुझे मेरे दादाजी की बात याद आ गई कि भूत प्रेत आग से डरते हैं और उसके करीब नहीं जाते। वो याद आते ही मैं डर से कांपने लगा। फिर मैंने तिरछी नज़र से पीछे उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस औरत के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं इतना डर गया कि चलती ऑटो से बाहर कूद गया। बाहर नीचे गिरते ही सड़क से मेरा सर इतनी जोर से टकराया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं रास्ते पर पड़ा हुआ था। मेरे सर पर काफ़ी चोटें आई थी और खून भी बह रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ तो देखा मेरा ऑटो रास्ते के किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ था। मैं भागकर ऑटो के पास गया तो देखा अब वो औरत ऑटो के अंदर नहीं थी। वो देखकर मेरी जान में जान आई। फिर जैसे तैसे मैंने अपना ऑटो बाहर निकाला और ऑटो स्टार्ट करके सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपने सर पर पट्टी कराई और तब तक सुबह भी हो चुकी थी, तो मैं तुरंत अपने घर चला गया। फिर उस रात के बाद से मैंने देर रात तक ऑटो चलाना छोड़ दिया और फिर कभी दोबारा मेरा सामना ऐसी चीज़ों से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक मोहांटी जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम आकाश गोस्वामी है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है।
ये बात करीब 4 साल पहले की है। उन दिनों पढ़ाई के लिए मुझे अपने घर से दूर दूसरे शहर में जाना पड़ा था। वहाँ पर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज से छुट्टी के बाद रात बिताने के लिए मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया था। मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से रह रहा था, लेकिन फिर करीब 4 महीने बाद उस कमरे के ओनर ने मुझे वो रूम खाली करने को कहा। इतनी जल्दी कोई दूसरा बजट में रूम ढूंढना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, मगर फिर काफ़ी ढूंढने पर मुझे एक घर किराए पर मिल गया, लेकिन वो घर काफ़ी वीरान जगह पर था। खैर, मैंने भी सोचा कि जैसे ही मुझे कोई दूसरा अच्छा रूम मिल जाएगा तो मैं वहाँ शिफ्ट कर लूँगा। वो घर पूरा खाली था और मुझे उस घर का सेकेंड फ्लोर किराए पर मिला था। जिस दिन मैं वहाँ पर रहने के लिए गया उस दिन संडे था, तो कॉलेज की भी छुट्टी थी, तो पूरा दिन मैं वहाँ पर टीवी देखता रहा। फिर रात में मैंने खाना बनाया और खाना खाकर सोने के लिए लेटा ही था कि रूम के बाहर मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद घर के बाहर की आवाज़ होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे घर की सामानों के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा घर का सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन नहीं। मुझे अच्छे से याद था कि लेटने से पहले मैंने सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। मैंने जाकर चेक किया तो अभी भी सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। फिर वापस आकर मैंने सारा सामान दोबारा सेट किया और वापस सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर सोते हुए आधी रात तकरीबन 1 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा एक काला साया मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मेरा गला दबा रहा था। वो देख के मैं बहुत डर गया और जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन तभी वो साया गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं भागकर उस घर से बाहर चला गया। फिर वो पूरी रात मैं उस घर के बाहर ही रहा। फिर सुबह होते ही मैंने वो घर खाली कर दिया और फिर वापस अपने शहर लौट आया। और फिर ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद मैंने एक रूम किराए पर ले लिया और ओनर से एग्रीमेंट पर साइन भी करवा लिया कि अगले पूरे 1 साल तक, जब तक मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, मुझे वो रूम खाली करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। खैर, फिर इसके बाद कभी दोबारा मेरा ऐसी चीज़ों से सामना नहीं हुआ, लेकिन ये घटना याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आकाश गोस्वामी जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रभुल है। मैं आपको मेरे चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये बात करीब 6 साल पहले की है। मैं आगरा के कलवारी गांव का रहने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि आज से करीब 6 साल पहले मेरे चाचा ने गांव के बाहर एक खेत खरीदा था जो कि उन्हें आधे दामों पर मिल गया था। ये बात हमको काफ़ी अजीब लगी। फिर पता चला कि उस खेत के बीच में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है जिस पर ब्रह्म राक्षस रहता है और उसने उस किसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। उसके 2 जवान बेटों को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया और धीरे धीरे करके उसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। और इसी से तंग आकर उस किसान ने वो खेत मेरे चाचा को आधे दामों में बेच दिया। वो सब जानकर मैं और मेरे पापा चाचा के घर गए और पापा ने उनको बहुत डांट लगाई कि तुमने वो खेत आखिर क्यों खरीदा, तुम्हें पता नहीं वहां पर ब्रह्म राक्षस का वास है। मगर पापा की बात को बीच में ही काटते हुए चाचा ने कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तक ब्रह्म राक्षस की बात रही तो ये ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है, और आज ही मैं उस पीपल के पेड़ को भी कटवा दूंगा।
चाचा की बात सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आया, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम घर वापस आ गए। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब मुझे चाचा और उनकी फैमिली से पता चला है। दरअसल उसी दिन चाचा पीपल का पेड़ कटवाने के लिए घर से निकले और पेड़ काटने के लिए लोगों की तलाश करने लगे, मगर ज्यादा पैसा देने पर भी कोई उस पेड़ को काटने के लिए राजी नहीं हुआ। तो चाचा खुद ही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए खेत की तरफ चल पड़े। जब वो खेत में पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने आया देखकर आसपास के खेतों के लोग भी वहां से चले गए। फिर चाचा उस पेड़ को काटने लगे। उन्होंने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी के 4-5 वार किए ही थे कि तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई थी। वो सुनके चाचा बहुत डर गए और लड़खड़ाती आवाज में बोले कि कौन है, कौन है यहां पर? तभी पेड़ से आवाज आई, नीलेश, ये पीपल का पेड़ मेरा घर है, तू इसे काट रहा है। अब देख मैं तेरा और तेरे घर वालों का क्या हाल करता हूं। चाचा ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक टहनी पर वो ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। वो काफी लंबा और तगड़ा था, उसके पूरे शरीर पर बाल थे और उसका सर नॉर्मल लोगों के सर से कई गुना बड़ा और भयानक था। उसकी आंखें खून के जैसी लाल सुरख थी। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर चाचा की जान हलक में आ चुकी थी। तभी वो ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से नीचे उतरा और चाचा के सामने आकर खड़ा हो गया। चाचा ने हाथ जोड़कर उस ब्रह्म राक्षस से माफी मांगी और कहा कि वो अब कभी भी इस पेड़ को नहीं काटेंगे। लेकिन तभी वो ब्रह्म राक्षस चाचा के शरीर में घुस गया और फिर जब चाचा घर पर आए तो वो काफी गुस्से में लग रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो किचन में गए और वहां रखा सारा चिकन जानवरों की तरह खाने लगे। वो देख के चाची को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने हमें फोन करके सारी बात बता दी। हमने चाची से कहा कि आप परेशान मत हो, हम अभी वहां आ रहे हैं। चाची फोन पर हमसे बात कर ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि चाचा छत की तरफ जाने लगे। छत पर उनका बेटा विकी खेल रहा था। चाची ने सोचा कि कहीं चाचा विकी को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, तो वो भी डरी सहमी उनके पीछे पीछे जाने लगी। लेकिन चाचा बहुत ही तेजी से छत पर पहुंच गए। छत पर चाचा का बेटा विकी खेल रहा था। चाचा के ऊपर सवार उस ब्रह्म राक्षस ने विकी को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही विकी की मौत हो गई। वो देख के चाची की चीख निकल गई और वो चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागने लगी। वो घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वो ब्रह्म राक्षस चाची के सामने आ गया। वो देख के चाची बुरी तरह से कांपने लगी और रोने लगी। तभी हम लोग भी वहां पहुंच गए और उस ब्रह्म राक्षस को देख के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा चाचा जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और वो ब्रह्म राक्षस चाची की तरफ बढ़ रहा था। हमने हाथ जोड़कर उस ब्रह्म राक्षस से चाचा की गलती के लिए माफी मांगी और हम सबको छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन तभी उस ब्रह्म राक्षस ने भारी आवाज में कहा कि तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस अपने घर चले जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारे जाओगे। और इतना कहकर उस ब्रह्म राक्षस ने बड़ी बेरहमी से चाची का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। वो देख के हम सबकी चीख निकल गई। उस ब्रह्म राक्षस ने चाची को मौत के घाट उतार दिया और वापस चाचा के शरीर में घुस गया और पलक झपकते ही घर से बाहर चला गया। अब उस ब्रह्म राक्षस का आखिरी शिकार चाचा ही थे, तो हम सब घर के बाहर चाचा को हर तरफ ढूंढने लगे, मगर पूरी रात ढूंढने पर भी चाचा हमें कहीं नहीं मिले। अगले दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे हमें चाचा की कटी फटी लाश
विभत्स हालत में पड़ी मिली। उनकी आंखों की पुतलियां नहीं थी और चेहरे पर बुरी तरह से नोचने और खरोचने के घाव और उनका पेट बीच से फटा हुआ था। उस ब्रह्म राक्षस ने चाचा के साथ उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। उस दिन मुझे पता चला कि ब्रह्म राक्षस कितने खतरनाक होते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरे दुश्मन का भी इनसे सामना ना हो। आज भी वो खेत खाली पड़ा है, आज भी उस पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास है। रात में तो क्या, दिन में भी वहां से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अबिदुल हाकी है, मैं दिल्ली के सादरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात करीब 2 साल पहले की है। एक दिन मैं मेरे घर के बाहर बगीचे में बैठा हुआ था, तभी मुझे मेरे दोस्त मृदुल का कॉल आया। उसने बताया कि आज उसने अपने घर पर पार्टी रखी है। तो मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर किस खुशी में? तो मृदुल ने बताया कि यार, दरअसल मैंने तुझे मेरे भाई के बारे में बताया भी था। वो काफ़ी टाइम से अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, मगर अब फाइनली उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। तो मृदुल की बात सुनकर मैंने कहा कि वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मृदुल ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया। मैं भी घर पे वेला ही बैठा था, तो मैंने भी हाँ कह दिया। पार्टी रात 8 बजे से 12-1 बजे तक चलने वाली थी, तो मैं तैयार होकर 6 बजे तक अपने घर से निकल गया। तकरीबन 7:30 बजे तक मैं मृदुल के घर पहुंचा, मगर उसके घर पर पहुंचकर मुझे पता चला कि उसके भाई, जिसकी जॉब लगने पर उसने आज पार्टी रखी थी, घर आते हुए उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो जानकर मुझे मेरे दोस्त के भाई के लिए बहुत बुरा लगा। फिर मैंने मृदुल को संभाला, वो पास के सोफे पर बैठा रो रहा था। मैंने उसे हिम्मत दिलाई कि जल्द ही उसका भाई ठीक हो जाएगा। फिर करीब 10 बजे तक मैं मृदुल के साथ उसके घर पर ही रहा और फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, तू कुछ देर आराम कर ले, मैं भी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलकर मैं वापस उसके घर से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो रास्ता भी लगभग साफ हो चुका था। मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक स्ट्रीट लाइट के पास मैंने अपनी बाइक रोकी और सिगरेट जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट पी ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते पर एक औरत जाती हुई दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो वो औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस औरत के मेरी तरफ आने का तरीका बहुत ही अजीब था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक पैर टूटा हुआ है और वो अपने दूसरे पैर से खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो स्ट्रीट लाइट के काफी पास आ गई, तब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा बेहद ही डरावना था। उसके चेहरे पर मांस नहीं था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और वो अपने दूसरे पैर को, जिसे घसीटते हुए वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, उस पैर की उंगलियां रास्ते पर घिसटते हुए पूरी तरह से छिल चुकी थी और रास्ते पर खून की एक सीधी लाइन बनाती जा रही थी। वो देख के मैं बहुत डर गया और वहां से भागने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर इतने में ही वो चुड़ैल मेरे काफी करीब आ चुकी थी और पता नहीं क्यों बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका था और उस चुड़ैल के सामने आते ही मैं जोर जोर से रोने लगा और उससे गिड़गिड़ाते हुए मेरी जान की भीख मांगने लगा। तभी उस चुड़ैल ने अजीब सी लैंग्वेज में कुछ कहा, जो कि मुझे समझ में तो नहीं आया, मगर उसके बोले हुए कुछ शब्द मुझे आज भी याद हैं। उसने बोलते ही कहा, निम्बकाय तमा डोगला डाड़ी के, और तभी
उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और फिर से मेरा गला दबाने लगी। मैं जोरों से चीख चिल्ला रहा था और झटपटाए हुए उस चुड़ैल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो चुड़ैल बहुत ही ताकतवर थी। उसने मेरी गर्दन को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया था। थोड़ी ही देर में मेरा दम घुटने लगा। मैं समझ चुका था कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तभी मुझे रास्ते पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रक जैसे ही मेरे करीब आया, वो चुड़ैल हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। ट्रक ड्राइवर मुझे रास्ते के बीच अधमरी हालत में पड़ा देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने जल्दी से मुझे ट्रक में बिठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा। मैंने उसे मेरे घर का एड्रेस दिया तो वो मुझे मेरे घर पर छोड़ा और फिर घर पर हम दोनों साथ ही बैठे थे। जब मुझे थोड़ी राहत मिली तो मैंने उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई, तो उसने बताया कि मैंने भी उस चुड़ैल को देखा था, इसीलिए तुम्हें तुरंत वहां से लेकर निकल गया। और तब उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बहुत साल पहले उसी रास्ते से एक औरत रात के वक्त अपने घर जा रही थी, तभी कुछ शराबियों की नज़र उस पर पड़ी और उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से उस औरत का बलात्कार किया, और इतने से भी जब उन दरिंदों का मन नहीं भरा तो उस औरत को बीच रास्ते पर पीट पीट कर मार डाला। जब वो दरिंदे उसे पीट रहे थे तो उसका एक पैर टूट गया था, तब भी वो बेचारी एक पैर के सहारे खुद के शरीर को